कश्मीर न्यूज सर्विस प्रेजेंट। उनको आज बुलाया गया था यहाँ हमारे, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट वगैरह रिकॉर्ड करवाई है। उसके साथ साथ जो बच्चा है उसके पेरेंट्स, जो विक्टिम चाइल्ड है उसके पेरेंट्स जो है वो भी आए हुए थे, उनकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई है। दरअसल ये जो इंसिडेंट है ये आज से 6 दिन पहले का है, और इस कोचिंग इंस्टीट्यूट को क्लोज किया गया था ड्यू टू सम कोविड केसेस, पॉजिटिव केसेस। तो 6 दिन पहले का वाकया है और कल ही मंजर यहाँ पर आया है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट है उसके पेरेंट्स कहते हैं उनको भी इल्मियत नहीं थी, उनको भी सोशल मीडिया के जरिए कल ही पता चला है कि ऐसा वाकया कोई हुआ है। तो उसमें स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे के पेरेंट्स की और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद जो टीचर है वो अभी अंडर अरेस्ट है, तो उस पर कार्रवाई की गई है। बाकी जो है आगे कानून जो लॉ है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स, उसमें अदालत में फैसला होगा कि उसका फर्दर क्या फेट रहेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से कार्रवाई निश्चित हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग कश्मीर न्यूज सर्विस।